वेलकम बैक व्यूअर्स. जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरे साथ होंगे डॉक्टर जावेद अहमद और आज हम जो बात करने वाले हैं चेस्ट के स्पेशलिस्ट हैं. और इस सबसे बड़ी बात जो ज़्यादा अफेक्ट होती है आपके हमेशा फेफड़े अफेक्ट होते हैं जब आप पान छालिया नस्वार सिगरेट ये जो चीप एडिक्शन जिसे कहा जाता है जिसका कोई तुक ही नहीं बनता लेकिन लोग उसको ऐसे खा रहे होते हैं जैसे पता नहीं क्या बड़ी कोई मज़े की चीज़ है. ठीक है छालिया खानी चाहिए लेकिन इतनी नहीं खानी चाहिए. मैं भी कभी कभी खा लेती हूँ छालिया लेकिन लोग उसको एक नशा सा बना लेते हैं जिससे माउथ अल्सर्स का भी बहुत ख़दशा हो सकता है. फेफड़े ख़राब आपके हो सकते हैं. बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं. तो हम डॉक्टर साहब से आज पूछेंगे कि इस चीज़ से निजात कैसे पाई जा सकती है और इसको रोका कैसे जा सकता है और अगर ऐसी स्टेज आ जाए कि बिल्कुल ही कुछ नहीं हो सकता तो उस पर क्या करना चाहिए. आइए डॉक्टर साहब से मिलते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा सबसे पहले तो आप मुझे बताएं आप इनमें से कौन सी चीज़ करते हैं. देखिए बात यह है कि आपने जो शुरू में कहा कि छालियाँ खाती हैं, छालियाँ खाना कहीं किसी लिहाज से मुनासिब नहीं. रिसर्च कंडक्टेड बाय अमेरिकन कैंसर सोसाइटी जस्ट छालिया प्योर जिसे बीटल नट कहते हैं इज अ क्लास ए कार्सिनोजन यानी कैपेबल ऑफ कॉजिंग कैंसर. यू नो अल्लाह की इतनी नेमतें हैं इतने खाने हैं इतनी चीज़ें हैं. क्या छालिया या पान गुटखा सुपारी या सिगरेट स्मोक करते नहीं? कभी जिंदगी में स्मोक नहीं किया. अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की इतनी नेमतें हैं क्या अपनी सेहत को मैं क्यों बर्बाद करूं? बिल्कुल बिल्कुल सही. अच्छा मुझे ये बताएं कि हम इसकी बात करें नस्वार की गुटखा की और इन सब चीज़ों की ज़्यादातर सब बहुत ज़्यादा जो है आपके पास अगर कोई केसेस आते हैं तो किस चीज़ से अफेक्ट हुआ? यकीनन सिगरेट जो है वो एक सबसे बड़ा है और इस वक्त पाकिस्तान में सिर्फ अब तो खैर खवातीन तंबाकू नोशी की वजह से 1,00,000 अफराद सालाना पाकिस्तान में सिर्फ तंबाकू नोशी की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं. और उसके बाद दूसरे नंबर पे जो तेजी से हमारे वबा बढ़ रही है नौजवानों में वो है शीशा. शीशा का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है. बहुत ज्यादा इसके बाद ये स्मोकलेस टोबैको जिसे हम कहते हैं पान सुपारी के साथ जो हम तंबाकू इस्तेमाल करते हैं बाय माउथ और नस्वार ये सारे जो चीज़ें हैं इन्हें कहते हैं टोबैको के बारे में कहा जाता है इट इज दी सिंगल लार्जेस्ट प्रिवेंटेबल कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड टुडे. 54,00,000 अफराद सालाना दुनिया में मौत का शिकार होते हैं सिर्फ तंबाकू के इस्तेमाल से. सिर्फ तंबाकू के इस्तेमाल की वजह से. वेरियस फॉर्म्स ऑफ तंबाकू जो मैंने जिक्र किया. अच्छा मुझे बताएं कि कहते हैं गुटखे में जो इंग्रेडिएंट होते हैं बीटल नट वो बहुत ही खतरनाक है. बिल्कुल. देखिए इसमें जो लीडिंग अथॉरिटी है वो वर्ल्ड के अंदर वो एक प्रोफेसर हैं प्रकाश गुप्ता इन इंडिया. उन्होंने बहुत रिसर्च की गुटखा के ऊपर. सिगरेट से जो कैंसर होता है वो 2-3 डिकेड्स के बाद होता है. अच्छा. लेकिन गुटखे के इस्तेमाल अब चूंकि 10 साल में आया है हमने कैंसर के केसेस अब देखने शुरू किए हैं विद इन 5 years ऑफ गुटखा यूज. गुटखा इज़ अ फॉर्म ऑफ टोबैको जिसके अंदर मुख्तलिफ और इंग्रेडिएंट डाले जाते हैं जिसके अंदर खून भी शामिल होता है जिसके अंदर जो है शीशा जो ग्लास होता है उसको क्रश करके शामिल किया जाता है. इसके अलावा मुख्तलिफ और सब्सटेंसेज उसमें डाले जाते हैं टू मेक इट एडिक्टिव करने के लिए ना. दो तीन उसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं होगी तो वो बंदा एडिक्टिव कैसे? 2-3 हफ्ते आपने गुटखा इस्तेमाल कर लिया फिर सारी जिंदगी के आप उसके आदी हो जाते हैं फिर काम करने के काबिल नहीं रहते. आप गुटखा भी देखें ना डॉक्टर साहब वो तो गुटखा तो खैर होता ही है लेकिन आप देखें खवातीन पान की इतनी ज्यादा पानदान लोगों ने रखे होते हैं हर वक्त मुंह में कुछ लोगों ने पान डाल के रखा होता है हर वक्त छालिया मुंह में डाल के रखी होती है इससे माउथ अल्सर्स का भी बहुत खदशा होता है. देखिए अब से 50 साल पहले रिसर्च इतनी नहीं थी और यकीनन हमारी शादी ब्याह के अंदर हर लड़की को जहेज के अंदर आप देखें पानदान दिया जाता था लेकिन सन 50 के बाद इतनी रिसर्च अब आ गई है अब किसी को पान पेश करना ऐसा है जैसे जहर पेश कर रहे हैं. हमारी शादी ब्याह के अंदर अभी आप देखिए कि जब छुआरे पेश किए जाते हैं दूल्हा जैसे निकाह होता है अपने छुआरे पे साथ में कोई ना कोई पैकेट भी होता है उसके अंदर उसमें सुपारी होती है उसके अंदर मुख्तलिफ और इंग्रेडिएंट दिए जाते हैं तो हम कैंसर को प्रमोट कर रहे हैं अपने सोसाइटी के अंदर. ये हमारा सबका फर्ज है मीडिया का भी. छुआरे पे आपने कहा ये मैं कंटिन्यू करते हैं हम लेकिन एक पहली कॉल है वो लेना मैं चाहूंगी. सॉरी मैं आपको थोड़ा रोकूंगी. अस्सलाम वालेकुम. जी अस्सलाम वालेकुम. कराची से डॉक्टर अनवर से बात कर रहा हूँ. जी डॉक्टर साहब मैं यही सोची थी अभी डॉक्टर साहब का कॉल आएगा कि जाहिर है इतना मजे का टॉपिक हो रहा है तो डॉक्टर साहब जरूर. बहुत शुक्रिया. आज चूंकि आपके यहाँ प्रोफेसर जावेद अहमद खान साहब मौजूद हैं
मैं सिर्फ दो बातें तीन अर्ज करना चाहता हूँ। देखिए जी, बात यह है कि कराची के अंदर एक ऐसा भी इलाका है जिसका मैं ऑन एयर नाम नहीं ले सकता कि वहाँ पर आपको 6 साल का बच्चा भी गुटखा खाता हुआ मिलेगा। जी जी, और बड़ी एज। डॉक्टर साहब, वैसे तो मैं आपको बताऊँ, आप एक इलाके की बात करें, मेरे ख्याल में तो स्ट्रीट में जो बच्चे घूम रहे होते हैं बिल्कुल वो भी ऐसी चीजें कर रहे होते हैं। बिल्कुल, अब आप ये देखिए कि टोबैको की, जैसा कि सर फरमा रहे थे, बिल्कुल सही बात है कि टोबैको की डिफरेंट फॉर्म्स हैं और कोई भी फॉर्म ऐसी नहीं है जो कि आपके लिए फायदेमंद हो। जब उसके सारे के सारे डीमेरिट्स हैं और सब की सब जो है वो बहुत ही ज्यादा इंजूरियस हैं हेल्थ के लिए, तो उसका इस्तेमाल कैसा, एक बात। दूसरे नंबर पर चीज ये कि इसमें मीडिया एक बहुत मेजर रोल प्ले कर सकता है जो अब तक इतना एक्टिवली नहीं आया। लेजिस्लेशन मौजूद है हमारे यहाँ लेकिन उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। असल चीज ये है कि आप जाकर देखें तो जो हमारे यहाँ के वार्ड हैं मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स के, जब वो लोग आते हैं माउथ अल्सर कैंसर के साथ, तो आप यकीन करिए कि उनकी इतनी बुरी कंडीशन होती है कि वो ये कहते हैं जितनी जल्दी हमें इससे निजात मिल जाए तो अच्छा है। असल जो वजह है वो ये है कि हमारे यहाँ उसके ऊपर पाबंदी ही नहीं है और पाबंदी होने के बावजूद जो है वो तमाम चीजें जो है वो फ्रीली अवेलेबल है। अगर आप देखें तो हर स्ट्रीट के हर कोने के ऊपर आपको एक पान शॉप मिलेगी जहाँ पे आपको सिगरेट भी इजीली मिल जाएगी, गुटखा भी मिल जाएगा, सुपारी भी मिल जाएगी और तमाम चीजें। और असल जो एक बहुत बड़ा हैजर्डस और एक बहुत ही ज्यादा गौरतलब बात है वो हमारी यूथ है। आप ये देखिए कि 10 और 11 साल का बच्चा वहां पे सिगरेट पी रहा होता है, तो अब आप ये देखिए कि वो जब सिगरेट स्मोकिंग 11 साल की उम्र से शुरू करता है तो 20 ईयर्स की जब उसकी एज होती है तो उसकी जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है, सब बुरी तरीके से हर्ट हो जाते हैं। जो चीज खाने की है वो खाई जाएगी या वो चीजें जो कि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होना चाहिए वो हमें नजर आ रही है। तो इसके लिए एक चीज के मीडिया के ऊपर तमाम जितने चैनल्स हैं वो उन जगहों पे जाके उन पेशेंट्स के इंटरव्यूज बताएं और वो बताएं कि हम किस किस मुश्किलात से गुजर रहे हैं। बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बात की डॉक्टर साहब ने कि उन लोगों का जाके उन लोगों से पूछा जाए जो वाकई सफर कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल, डॉक्टर अनवर जही ने बिल्कुल सही कहा कि लॉस तो हमारे मौजूद हैं लेकिन हमारे दरामद नहीं। टेक फॉर एग्जांपल, लास्ट वीक सिंध गवर्नमेंट ने गुटखा के सेल पे पाबंदी लगा दी लेकिन ये बयान पिछले 4 साल में 4 मरतबा आ चुका है लेकिन गुटखा तो बंद नहीं हुआ, अमल दरामद नहीं होता। सिंध असेंबली ने अब से 6 महीने पहले करारदाद पास की, शीशा के इस्तेमाल के ऊपर पाबंदी लगा दी गई, रेस्टोरेंट पे पाबंदी लगा दी कि जना कोई रेस्टोरेंट शीशा सर्व नहीं कर सकता, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया। बड़े बड़े होटल्स में जाएं, आप वैसे कहीं जाएं, वहाँ लड़के लड़कियों को सबसे पहले शीशे की फिक्र होती है। बिल्कुल सही, आई थिंक ये जो है एज ए सोसाइटी वी आर फेलिंग, सेहत हमारी प्रायोरिटी नहीं है। अच्छा, बच्चों की इन्होंने बात की डॉक्टर साहब, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है कि स्ट्रीट चिल्ड्रन जो हैं, ये बच्चे जो रोड पे भीख मांग रहे होते हैं या रोडों पे घूम रहे होते हैं कचरा उठाने वाले, ये भी इस किस्म के नशों में इतने मुब्तला होते हैं छोटे छोटे बच्चे, ऐसे किस तरह रोका जा सकता है? मतलब देखिए ये तो मतलब है कि बड़ा एक सीरियस प्रॉब्लम है। इसके अंदर जाहिर है गवर्नमेंट का भी रोल है, इसमें माशरे का भी रोल है, इसमें एजुकेशन जो है बहुत रोल है। जाहिर है कि अगर हम एक्सेस जो है इन बच्चों के लिए इजी होगा, हर पान की शॉप के ऊपर जाके जैसे डॉक्टर जहीर ने कहा कि आप खरीद लेंगे तो जाहिर है फिर तो, हालांकि लॉ हमारे यहाँ कहता है नो टोबैको प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड टू एनी बडी अंडर 18 जी, लेकिन यहाँ सिगरेट बेचने वाले, तंबाकू बेचने वाले खुद अंडर 16 है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि सब कॉन्टिनेंट में इन चीजों को इस्तेमाल करना या बुरा नहीं समझा जाता, क्यों? इसलिए नहीं समझा जाता कि हमारे मुल्क में जो है वो लोगों ने अभी तक जो है हमारे जो सेहत को, जी आप देखें हर बस ड्राइवर, हर सेहत हमारे मुल्क में प्रायोरिटी है ही नहीं, ना गवर्नमेंट लेवल के ऊपर ना इंडिया लेवल के ऊपर। हम लोग मुख्तलिफ फैमिलीज जो हैं बजट रखती हैं फॉर शादी के लिए, ब्याह के लिए, एजुकेशन के लिए, कभी कोई सुना है सेहत के लिए भी कुछ कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। और जब मरीज बीमार हो जाता है तो फिर उनके पास पैसे नहीं होते इलाज के लिए। तो ये सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनसे हम बच सकते हैं। बिल्कुल, फिर कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो हम तो बीमारी को खुद दावत देते हैं, खुद खुद वाकई दावत दे रहे हैं। एक कॉल है हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, कॉल ड्रॉप हो गई है जी डॉक्टर साहब। हाँ, तो मैं कह रहा था कि देखिए इसमें जो है कुछ मेजर्स तो हमारी गवर्नमेंट के करने के हैं लेकिन एज ए सोसाइटी
हमारे पेरेंट्स का बहुत अहम फर्ज है. फॉर एग्जांपल बड़ी एजुकेटेड क्लास में अभी जा रहे हैं रेस्टोरेंट में, शीशा इस्तेमाल कर रहे हैं, एक घंटे शीशा का इस्तेमाल ऐसा है जैसे आपने 100 सिगरेट पी ली. तौबा. अभी हमने एक रिसर्च किया आखान यूनिवर्सिटी ने, हमने कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल मेजर किया उन लोगों का जो शीशा इस्तेमाल किया था 24 घंटे पहले, तो कार्बन मोनोऑक्साइड लेवल उनके ब्रेथ में अभी भी इतना हाई था जैसे यू नो कोई शख्स रेगुलर सिगरेट पी रहा है. सही कह रहे हैं, बिल्कुल. तो अच्छा, मुझे एक चीज है कि ये क्या यही वजह है पाकिस्तान में ओरल कैंसर बढ़ता जा रहा है? बिल्कुल. देखिए दुनिया में इस वक्त नंबर ऐसे केसेस आपके सामने हो सीवियर किस्म के जो आपने देखे हो डेली रूटीन लाइफ में? हम तो डेली देखते हैं, फिर भी लोग बाज नहीं आते. भाई बाज कहाँ से आएंगे? भाई बात यह है कि हम जो उन पिक्चर्स को जब मीडिया के आगे पेश करते हैं तो मीडिया कहता है जी डॉक्टर साहब ये पिक्चर बड़ी हॉरिफिक है, ये इतनी खतरनाक है, वी कैन नॉट शो ऑन आवर टेलीविजन. एक मजे की बात देखें, आप सिगरेट का डब्बा खरीदते हैं उसके पीछे भी तस्वीर बनी हुई है, लोग सिगरेट खरीद रहे हैं. ये तो बात ये बेवकूफी है फिर तो. देखिए एक, एक आप सिगरेट भी बेच रहे हैं और उसके पीछे पिक्चर भी लगाई हुई आपने, तो क्यों लगाई हुई है? पिक्चर लगाने का मकसद यही है कि लोग जो हैं लेकिन रुक रहे हैं डॉक्टर साहब, नहीं रुक रहे. देखिए रुक इसलिए नहीं रहे कि अमल दरामद नहीं हो रहा. अभी तो आप मुझे बताइए, देखिए उस पिक्चर के लगाने का फायदा पिक्चर है लेकिन आधी से ज्यादा सिगरेट पैक इस वक्त जो मार्केट में मिल रहे हैं उनमें पिक्चर है ही नहीं. आधी से ज्यादा, लेकिन आप ज्यादातर देखें कुछ ब्रांड्स ऐसे जिन पे पिक्चर सबसे पहले लगी होती है. देखिए और दुनिया ने कैसे अमल दरामद किया, कैसे अमल दरामद किया? पहला चीज उन्होंने की पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग बैन के कानून पे अमल दरामद किया. दुनिया में आप कोई रेस्टोरेंट नहीं है जो सिगरेट जहां पे आप पी सकते हैं, कोई एयरपोर्ट नहीं जो सिगरेट पी सकते हैं, कोई आप शॉपिंग सेंटर नहीं सिगरेट पी सकते. लेकिन फिर मैं आपको इसका भी हल बता देती हूँ, आप शॉपिंग सेंटर्स में नहीं पी सकते, चले ठीक है. आप एयरपोर्ट की बात करें, एयरपोर्ट में उन्होंने एक जगह बनाई हुई जहाँ नहीं, हमारे यहाँ लॉ हमारे पाकिस्तान का है, देयर इज नो डिजाइनेटेड एरिया फॉर स्मोकिंग एट द एयरपोर्ट. लोग बाहर बैठे हुए जो है ओपन एयर वहाँ सिगरेट पी रहे होते हैं, किसी खुद देख गलत कर वो लॉ वायलेट कर रहे हैं. आपको कह रही हूँ कौन सा इम्प्लीमेंट हो रहा है, बात यह है ये तो एज अ सोसाइटी एज अ गवर्नमेंट हैज फेल्ड इन इंप्लीमेंटिंग द लॉ. सब एक कॉल है, थोड़ा सा मैं आपको रोकूंगी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम अस्सलाम. मैं तारिक मसूद अर्ज कर रहा हूं जी. जी जी बोलिए. मैं मेरी गुजारिश ये है कि कम से कम जो हेल्थ डिपार्टमेंट वाले हम लोग हैं जी, मैं देखता हूँ कि मैं जहाँ ड्यूटी कर रहा हूँ तो मेरे इर्द गिर्द वाले ड्यूटी भी कर रहे होते हैं, मुँह में पान गुटखा भी होता है. देख तो एटलीस्ट वो लोग तो कम से कम दूसरों के लिए सिंबल होते हैं ना. बिल्कुल, वो तो एग्जांपल है कि हाँ देखें हम यहाँ काम करें तो कम से कम. साथ ही सिगरेट पी रहे होते हैं, बताएं अब आप. और मेरी बस गुजारिश ये है सबसे रहे कि मेरे इर्द गिर्द के जो लोग हैं कम से कम. बहुत शुक्रिया आपने कॉल की और हमें ये बात बताई, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. बड़ा अच्छा पॉइंट है आपका कि जहाँ लोग इन चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं इसी को रोकने के लिए, वहीं पे सिगरेट भी चल रही है, वहीं पे आप गुटखा भी देखते हैं, वहीं छालिया पान भी होता है, तो फिर बताएं क्या हल है? देखिए मेजर्स जो है दुनिया में जब रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा, तो सोसाइटी फेल हो जाएगी. पाकिस्तान में सब यही हो रहा है. वेस्टर्न कंट्रीज में सिगरेट कितनी महंगी है आप बताइए, क्या गवर्नमेंट सिगरेट को महंगा नहीं कर सकती? आज 1000 रुपए का सिगरेट का पैकेट कर दे, कितने टीनेजर जाके सिगरेट खरीदेंगे? दुनिया में सबसे चीपेस्ट सिगरेट पाकिस्तान के अंदर है. हम इसे कंटिन्यू करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि आपने ये गुटखा और ये जो चीप एडिक्शन होती है उसको कैसे उससे निजात पाई जा सकती है. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा. हमारे साथ डॉक्टर जावेद अहमद खान है, आखान यूनिवर्सिटी से इनका ताल्लुक है. हम छोटी सी ब्रेक लेते हैं.